दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे, मान के चलिए आप किसी भी कंपनी के मोबाइल का FRP अनलॉक करते हैं या पैटर्न अनलॉक करते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल को बूट कराते हैं मीडियाटेक 6735 IC को, तो होता क्या है कि आपका मोबाइल बूट तो करता है लेकिन एक रनिंग चलने के बाद जो है डाउनलोडिंग बूट 8 पर अगर के अटक जाता है। दोस्तों ऐसे में आप क्या करते हैं कि दोबारा फिर से बूट कराने की कोशिश करते हैं, दोबारा फिर आपके साथ यही प्रॉब्लम होता है। तो आप बार बार ट्राई करते हैं, बार बार ऐसे ही होता है, जब भी आप मोबाइल को बूट कराते हैं तो डाउनलोडिंग बूट 8 पर आकर के जो है अटक जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा किस तरह से आप मोबाइल को बूट कराएं ताकि आपका मोबाइल जो है एक बार में बूट कर जाए और आपका। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। चलिए पहले हम आप यहाँ पे आपको दिखा दें यहाँ पे कि जो मेरा जो ब्रांड है उस ब्रांड को पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्रांड सिलेक्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मोबाइल को बूट कराएंगे ताकि आपका मोबाइल जो है एक बार में जो है आपका मोबाइल बूट करे और आपका जो FRP अनलॉक हो जाए। तो दोस्तों हमारे पास ये ब्रांड है, एक ब्रांड को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अनलॉक फिक्स पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद क्लियर FRP सेटिंग हमने दिया, उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो बैकअप लेने लिखा जाता है तो बैकअप हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद जब हम मोबाइल को यहाँ पे बूट कराते हैं तो मोबाइल को बूट कराने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ प्रोसेस चलने के बाद जो यहाँ पे एक लाइन चलने के बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग बूट 8 पर आकर के जो है रुक गया है, ठीक है, इससे आगे ये नहीं जा रहा है। दोबारा अगर हम फिर से इसे मोबाइल को बूट कराएंगे तो फिर यही प्रॉब्लम होगा। मीडियाटेक 6735 IC को बूट कराएं तो आप वॉल्यूम माइनस का इस्तेमाल करें, कंटिन्यू से दबा के रखें और डाटा केबल लगाएं, और जैसे आपका मोबाइल बूट करता है एक रीडिंग थोड़ा चलेगा, उसके बाद तुरंत आप जो है वॉल्यूम माइनस को छोड़ दें और आपका मोबाइल कंप्लीटली बूट करेगा। अगर आप कंटिन्यू जो है वॉल्यूम माइनस को दबा करके ही रखेंगे, ठीक है, तो आपका मोबाइल डाउनलोडिंग बूट 8 पर आकर के अटक जाएगा। तो आप जो है वॉल्यूम माइनस तुरंत छोड़ दें, जैसे आपका मोबाइल बूट करे वैसे आप छोड़ दें, आपका मोबाइल कंप्लीटली बूट करेगा और FRP आपका रिसेट होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मोबाइल का FRP यहाँ पे रिसेट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।